नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों आज हम हरियाणा के गांव में आए हुए हैं और एक सर जी है जिन्होंने नया फार्म चालू किया था। तो क्या है इनकी डिटेल और कैसे इनका व्यवसाय रहा और कैसे इन्होंने शुरुआत करी और जानते हैं इन सर से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर जी आपका? रणधीर सिंह सांगवान। अच्छा ये जगह कौन सी है सर जी? ये गाँव कलाली डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी हरियाणा। अच्छा सर जी, कैसे आपको आइडिया आया सर ये काम करने? ये हमारे एक दोस्त था, उसने किया हुआ है गोट फार्म। अच्छा अच्छा। और मैं वहाँ विजिट करने गया, मैंने वो फार्म देखा। अच्छा अच्छा। वो देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने उसे पूछा भाई इसके अंदर क्या बेनिफिट है। अच्छा, तो आपको क्या लगा बेनिफिट इसके अंदर? जैसे ये बकरियाँ है तो बकरियों के अंदर सर ये बेनिफिट है, जैसे अपनी इसका जो सिस्टम है बकरी का, एक तो साल में दो बार बच्चे देती है। साल में दो या 14 महीने में एक बार दो बार दे देती है या दे देती है। कोई तीन भी ले आती है, कोई दो भी, कोई एक भी। जी जी सर। एक तो इनकी बच्चों की बच्चे देने की क्षमता एक तो ज्यादा हो गई। हाँ ज्यादा हो गई। अच्छा। और जैसे डेयरी फार्म है, गायों का फार्म है, उससे कहीं ज्यादा मेरे को ये बेहतर लगा। इसलिए उसमें सर मैं ये अंतर जानना चाहता हूँ कि सर एक तो अपन गाय भैंस पालते हैं, एक डेयरी फार्म हो गया और एक बकरी पालन हो गया, तो इनमें आप अंतर कैसे देखते हैं इसके अंदर? अंतर तो मैंने जैसे क्या लगा कि इनकी बच्चे देने की जो हुआ हो गई वो ज्यादा। अच्छा, बच्चे देने की जो क्षमता ज्यादा है तो ये अपने बच्चा बेच के इसका जल्दी डेवलप हो जाता मतलब जो फायदे जो चालू हो जाते हैं वो मतलब शुरुआत में चालू हो जाते हैं अच्छा, तो इसके लिए तो आपको कितना साल हो गया फार्म चालू किए हुए? अभी मैंने साढ़े तीन महीना हुआ है। साढ़े तीन महीने ही हुआ क्या आपने? अच्छा, तो साढ़े तीन महीने में तो आपने जो बकरी खरीदी है, कितनी बकरी खरीदी थी? मैंने 12 बकरी खरीदी थी। 12 बकरी खरीदी आपने? कौन सी? गुजरी नस्ल की। ये सारी गुजरी खरीदी आपने? सारी गुजरी नस्ल की। तो गुजरी सेलेक्ट करने का क्या रीजन रहा सर जी? गुजरी सेलेक्ट करने का रीजन ये रहा क्योंकि हाइट, वेट और लेंथ और दूध परपज, मतलब सब में ऑलराउंडर गोट लगी है मेरे को। अच्छा, एक तो कहते हैं कि सर एक बच्चा लेने की क्षमता है, जैसे बच्चा बेच कर अपन लाभ कमा सकते हैं। दूसरा ये होता है कि दूध बेच के अपन लाभ कमा सकते हैं, तो इसमें एक चीज ये आ जाती है कि इसमें दूध अपन बेच सकते हैं या इतना दूध हो जाता है कि अपन इसमें सेल कर सकते हैं सर जी? इसमें दो प्रकार की बातें हैं। दूध भी सेल कर सकते हैं क्योंकि इन बकरियों का तकरीबन 3-4 लीटर। अच्छा, 3-4 लीटर की कैपेसिटी है दूध की। 3-4 तो शायद 1.5-2 लीटर के नहीं, मेरी बकरियों का है। अच्छा अच्छा, 4 लीटर के करीब है। 4 लीटर हो जाता है बिल्कुल, सुबह शाम का मिला के पूरा? दोनों टाइम का 4 लीटर का हो जाता है। अच्छा अच्छा। फिर नंबर दो, इन बकरियों की एक मैंने देखी है कि इनमें बीमारियों का चांस बहुत ही कम है। अच्छा, मेरे फार्म आज 3.5 महीना हो गया, मेरे कोई भी बकरी आज तक कोई बीमारी नहीं आई है। अच्छा, कोई मॉर्बिडिटी नहीं हुई है। तो आपने टीकाकरण तो किया ही होगा ना सर जी? हाँ, टीकाकरण तो मैंने करवा रखा है। अच्छा, कौन कौन सा करवाया था आपने? लाने के बाद में किया या पहले किया? नहीं, पहले जहाँ से मैं लेके आया था फार्मर से, उसके पास मैंने नहीं पूछा, नहीं उसने टीका करवाया था। अच्छा। और मैंने अपना इनकी केयर रखता हूँ, दवाई पानी टाइम टू टाइम सारा ओके चलता है इनका। तो आपने मतलब खुद ने मतलब इनका जो आदमी रखे हुए हैं, तो आप खुद हैं या आपने स्टाफ रखा हुआ है? नहीं, हम खुद हैं, मैं। अच्छा, आप, मेरा भाई है। अच्छा, ये भाई जी है ना। सर आपका नाम? नवीन सांगवान। नवीन सांगवान जी हो ना। और सर आप मतलब एक होता है कि एक अपन मजदूर रखते हैं, एक अपना खुद का मतलब आदमी होता है, तो उसमें क्या फर्क नजर आता आपको? ये है जी, जैसे कोई और बंदा रखे, हाँ, उसमें क्या है वो इतनी केयर नहीं करेगा। अच्छा, जो अपना खुद कर सकता है बंदा। मतलब केयर का मतलब क्या होता है सर जी? जैसे आपका रूटीन क्या होता है? हमारा रूटीन होता है सुबह इनको चारा डालते हैं। अच्छा। गेहूं डालते हैं। अच्छा। नार डालते हैं। अच्छा। वो डालने के बाद इनको पानी पुनी पिला के, हाँ, और 11 बजे इनको खोल के ले जाते हैं। अच्छा। अपने इधर नहर है। अच्छा अच्छा। इनको चरा के लेके आते हैं। कितने घंटे तक? 3-2.5 घंटे। तो इनको चराना जरूरी है क्या? मतलब खुले में रखना जरूरी है? अच्छा, तो उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे ये थोड़ा बकरी
थोड़ा घूम ले तो थोड़ा है बोलते हैं बकरी घूमने से ठीक रहती है। अच्छा ठीक रहती है, तो उसके लिए तो ये तो आपकी सारी जो खेती है तो आपकी सारी आपकी है या फार्म जो बना हुआ है? ये हमारी है। आपका ही है, तो इससे क्या बेनिफिट मिल जाता है मतलब? ये सर जैसे इधर खेती कर ले इनके लिए चारा चूरा ही बो सकते हैं इधर। अच्छा ये खेत में करने का ये बेनिफिट है। अच्छा तो इसका करेंगे तो जैसे चारा है वो इधर के इधर काट के इनको डाल देते हैं। एक खुद का फार्म होता तो खर्चा कितना बच जाता है इसके अंदर? बहुत मतलब फीड पे ही तो ज्यादा तो खर्चा फीड पे ही होता है। और फीड का अगर अपन बच जाता है जैसे रहता रहा है बोर दिया खेत में इधर ही काट कर डाल दिया, गांव में करेंगे जैसे तो खेत से काट के ले जाना पड़ेगा तो थोड़ी ही दूरी हो तो अच्छी हो जाती है। अच्छा जैसे एक आपने शुरू किया नया है ना, तो नया शुरू करने के बाद में जैसे आपको जो आपकी खुद के संसाधन है उसका क्या यूज किया आपने? जैसे तो खेती हो गई आपकी खुद की। सर हमारा बेनिफिट ये हुआ, एक तो हमारे खुद का खेत है, खुला वातावरण है, ये हरा चारा लगा दिया जैसे। अच्छा अच्छा ये बचत हो गई हमारी। फिर हमारा जो एरिया है खुला एरिया है जैसे, हमारे को चारे की कोई दिक्कत नहीं है। चारा की दिक्कत नहीं है इसके अंदर, पहली बात तो ये हो गई। और पानी वानी का बोरिंग करवा रखा होगा? पानी का बोरिंग है, पूरी फैसिलिटी है। अच्छा ये ताजा पानी पिलाते हैं मीन को सुबह, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा डेली चेंज करते हैं पानी को, ताजा पानी पिलाते हैं। और सारी बच्चे हैं, ये आप बच्चे देख लो। और ये बकरी है। अच्छा तो सारे स्वस्थ जानवर है। नहीं सर जी अपन देखे एक तो कि मतलब आपका शुरुआती जो खर्चा वो कितना आ गया था, जैसे बकरियों पे आपने कितना खर्चा कर दिया था? बकरियों पे तकरीबन 3.5 लाख रुपए, तो मेरे 4 लाख के करीब शेड का खर्चा था। शेड का खर्चा 4 लाख के करीब। शेड में क्या बनवाया आपने? ये शेड आप देखिए, आपको दिखाते हैं, पूरा पक्का शेड है। अच्छा पूरा मतलब सीमेंटेड है क्रेशर और उसमें पूरा पक्का सेट है जालीदार। अच्छा, ये कितने बाई कितने का बनाया आपने? ये सर 40x20 800 फुट एरिया। 800 फुट एरिया है ये? 40x20 का मेरा सेट है। अच्छा ये अलग अलग आपने डिपार्टमेंट बना दिया? ये अलग अलग पोर्शन है, ये बच्चों का है। अच्छा ये बच्चों का बनाया आपने? जो छोटे बच्चे है उनका ये है। अच्छा और जो बकरियों का है वो ये पोर्शन है। ये बकरियां बड़ी बकरियां जो है? बड़ी बकरियों का ये पोर्शन है। अच्छा अच्छा उधर है मेरे जो वो बकरों का पोर्शन है इसके अंदर। अच्छा मेल मेल का है ना? मेल का, इसमें 10 बच्चे हैं खसी। अच्छा करवा रखे हैं जो। अच्छा अच्छा और ये हमारा ब्रीडर है। ये ब्रीडर आपका हो गया? तो ये आपने जो इसमें स्ट्रक्चर में खर्च किया वो कितना किया आपने? 3.5 लाख? 3.5-4 लाख के करीब। 4 लाख के करीब आपने इस पे हो गया? और टोटली हो गया ये जाली वगैरह है और ये जो आपने ये खाने का है वो सारा टोटल मिला के 4 लाख रुपए हो गए होंगे आपके? नहीं इनका अलग है। इनका अलग है? हाँ इनका अलग है। तो टोटली कितना खर्चा हो गया होगा? 7,60,000 रुपए का माल लेके आया था मैं। अच्छा 12 बकरी और ये बड़ा बकरा, 10 ये बच्चे और ये 5 बच्ची थी ये इनके साथ आई थी। अच्छा और जो ये अपने पैदा हुए हैं 9 बच्चे। अच्छा यानी तकरीबन 11-12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है। 11-12 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 12 बकरी के अंदर? 12 बकरी होगी, 10 बकरे हो गए, एक बड़ा बकरा हो गया। अच्छा इनके अंदर। अच्छा अच्छा तो कितने महीने हो गए अभी आपको? अभी तो 3 महीना हुआ है। 3 महीने हुआ तो अब मतलब कितने बच्चे दे चुकी है? 9 बच्चे दे चुकी हैं, 6 बकरी ब्याह चुकी हैं। अच्छा अच्छा और 1 बकरी 2-3 दिन में ब्यालेगी। अच्छा और 4 बकरी है वो अप्रैल के लास्ट में ब्याएंगी। अच्छा तो क्या प्लानिंग है भविष्य के अंदर आपकी? फ्यूचर की प्लानिंग ये है सर, जो बकरी ब्याएंगी वो बच्चे बच्ची जो आएंगी वो और आगे बच्चे और जो बकरे आएंगे जो उनको अलग साइड में उनको हम ईद के ऊपर सप्लाई करेंगे या कोई अच्छा क्वालिटी का बच्चा है वो ब्रीडर के तौर पर रखोगे आप ना? तैयार करेंगे। और हमारा मेन पर्पज है फार्म का ब्रीडिंग का काम हमारा। अच्छा ब्रीडिंग का मेन पर्पज हमारा ब्रीडिंग का। अच्छा अच्छा तो उसमें क्या बेनिफिट हो जाता है मतलब? हमारा है क्वालिटी की चीज रखना। अच्छा बस मेन पर्पज ये नहीं, बढ़िया बढ़िया बकरी और बढ़िया मतलब पशु मतलब ब्रीडिंग का काम है हमारा। मतलब इसमें तो ये हो जाता है कि सर इसमें बेनिफिट उनको मिलेगा जो नया फार्म चालू करना चाहता है, तो वो आपसे वो ले सकता है। मतलब उनको सलाह दूंगा वो 50-100 बकरी ना लेके शुरुआत करे, चाहे 10 बकरी से। अच्छा लेकिन क्वालिटी ले। अच्छा अच्छा उसमें उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें कुछ डिटेल में बता सकते? डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे आप 50 बकरी ले आए
कोई भी नस्ल की छोटी नस्ल की लिया है। ठीक है ठीक है। हाँ। क्योंकि खर्चा तो उनका सेम होता है। हाँ। जो आदमी की जो होती है वो तो सेम होती है, मेहनत मेहनत आदमी की वो की हाँ, हो गया 50 रुपए शेड का, शेड का काम वही है, शेड का वो भी वही का वही लगा लगभग लगभग। क्वालिटी के जो जानवर रखे फार्मर उसमें ज्यादा बेनिफिट में, मतलब लगभग लगभग 20 बकरी से शुरू करे तो मतलब अच्छा बेनिफिट मिल जाता, मतलब लगभग लगभग। हाँ मान लियो तो आपका बजट देखा जाता है 20 से करे या 10 से करे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा अच्छे जानवर लेके आए, बढ़िया क्वालिटी के जानवर फार्मर रखे, उसमें ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा तो आपने तो सोच लिया मतलब ये करना, तो इसलिए आपने शेड वगैरह का भी पूरा पक्का करवा दिया। मैंने पूरा पक्का शेड करवा दिया, 4 लाख ये, और मान लो बढ़िया क्वालिटी के जानवर 10-12 लाख, और आगे मेरा पर्पज यही रहेगा, यही रहेगा। मैं काम करूंगा ब्रीडिंग के ऊपर। अच्छा ब्रीडिंग पे काम करोगे। जो मेरे बच्चे आए हुए हैं ये सारे बुक है, मान लो मैं इन बच्चों को ब्रीड के लिए तैयार करूंगा, अच्छा ना कि मीट पर्पज के लिए। अच्छा।